एक बार राजा अकबर बीमार पड़ गए। बीमारी के कारण वे रात रात भर जागते रहते। नींद उनसे कोसों दूर भाग गई थी। राजवैद्य ने कई दवाइयां व उपाय आजमा लिए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। सारी दुनिया रात में सोती और बादशाह अकबर जागते। अकबर को तो वैसे ही किस्से कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। उस पर अब समय काटना भी मुश्किल हो रहा था। अतः अकबर ने रोज रात को एक कहानी सुनने का निश्चय किया। इस तरह प्रतिदिन रात को कोई न कोई दरबारी आकर अकबर को कहानी सुनाने लगा। अकबर हर कहानी के अंत में बार बार पूछते, फिर क्या हुआ? दरबारी परेशान रहने लगे और बीरबल से इस समस्या का उपाय निकालने के लिए कहने लगे। अगली रात अकबर को कहानी सुनाने स्वयं बीरबल पहुंचा। नियमानुसार कहानी समाप्त होते ही अकबर पूछ उठे, फिर क्या हुआ? बीरबल ने उन्हें एक और कहानी सुना दी, लेकिन इसके अंत में भी फिर से अकबर पूछ बैठे, फिर क्या हुआ? बीरबल परेशान हो गए। उन्होंने फिर एक और कहानी सुनानी शुरू की। जहां पना एक जंगल में एक झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत बहादुर था, इसलिए उसे बीहड़ जंगल में भी अकेले रहते डर नहीं लगता था। उसने झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ भूमि पर धान बो दिया था। फसल अच्छी हुई, पर अक्सर पक्षी अनाज के दाने मुंह में दबाकर ले जाते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसान ने एक बड़े से मटके में अनाज भरा और उसका मुंह बंद कर दिया। मटके में बाईं तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया। अब एक पक्षी आया और छेद के अंदर से अनाज के दाने अपनी चोंच में दबाने की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा। फिर क्या, उसे बहुत कोशिश करनी पड़ी। आखिर में छेद कुछ बड़ा हुआ और उसकी चोंच में एक दाना आ गया। फिर क्या हुआ? फिर वह उड़ गया। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा पक्षी आया, उसने भी बहुत कोशिश की, पर छेद छोटा था। फिर क्या हुआ? फिर काफी माथा पच्ची करने के बाद आखिर वह भी दाना लेने में सफल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर तीसरा पक्षी आया, वह भी छेद में चोंच घुसाने की कोशिश करने लगा। बीरबल, आखिर कितने पक्षी आएंगे दाना लेने? महाराज, अभी तो तीन ही आए हैं, कुल मिलाकर 525 पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। आखिर ये दाना लेना कब छोड़ेंगे? जब आप फिर क्या हुआ कहना छोड़ेंगे। अब महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहानी सुनना छोड़ दिया। अब उन्हें नींद आने लगी।